हेलो स्टूडेंट्स, मैं एसके गुप्ता ज्ञान ज्योति ऑनलाइन स्टडी सेंटर की ओर से आज आपके बीच लेकर आया हूँ एसके एमयू यूजी सेमेस्टर वन हिंदी कोर टू का सिलेबस और वीवीआई क्वेश्चन। वीडियो को शुरू करें, आगे बढ़ें इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, क्योंकि कर भला तो हो भला। आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर कोर टू, कुल अंक 80, 20 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्ज़ाम हुआ था। ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम दे चुके हैं तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए देखिए, आपको पढ़ना है, बुक का नाम है भक्तिकाल इतिहास एवं साहित्य। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये भक्तिकाल इतिहास एवं साहित्य पढ़ना है। इसमें इस बुक को चार इकाई में बांटा गया है, इकाई वन, इकाई टू, इकाई थ्री, इकाई फोर। इकाई वन में आपको करना क्या है ये देखिए, भक्ति काल का नामांकन। इसका नामांकन जो हुआ है, इसमें बहुत सारे कवियों का अलग अलग मत होगा, आखिर भक्ति काल इस उस समय को क्यों कहा गया, इसके नाम रखने पर जो जो कवियों का मत था, विचार था, ये सब आपको इसको कर लेना है, और उसके प्रेरक परिस्थितियाँ दोनों कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन रहेगा, नामांकन और प्रेरक परिस्थितियाँ, ठीक है। फिर आएगा भक्ति आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ये भी कर लीजिए। तीन क्वेश्चन हो गया। विभिन्न काव्य धारा में आप कृष्ण काव्य धारा कर लीजिए, कृष्ण काव्य धारा कर लीजिए और ज्ञान श्रेय काव्य धारा कर लीजिए, ठीक है। और भक्ति काव्य में आप कबीर और तुलसी का जो है स्वर्ण मंजूषा कर लीजिए। यही आपका कोर टू का वीवीआई है। सात क्वेश्चन दिए हैं, सात क्वेश्चन आप कर लेंगे। पहला नामांकन, परिस्थितियां, भक्ति आंदोलन, विभिन्न काव्य धाराओं में ज्ञान श्रेय और कृष्ण काव्य धाराएं, और इकाई फोर में आपको करना है कबीर और तुलसी का स्वर्ण मंजूषा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।